विलियम आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन के दौरान एक गुफा में घुस गया। वहां से निकलने के तीन रास्ते थे, हालांकि उनमें से केवल एक ही सेफ था। उसका मैप बता रहा है कि बाहर जाने के पहले रास्ते के पीछे एक तालाब है जो सब कुछ निगल जाता है। दूसरा रास्ता उसे खतरनाक डायनासोर की तरफ ले जाएगा जो उसे जिंदा खा जाएंगे। तीसरा रास्ता एक फूटते हुए ज्वालामुखी की ओर जाता है। कौन सा रास्ता सुरक्षित है? दूसरा वाला, क्योंकि डायनासोर कई साल पहले गायब हो गए थे। आप ज़ॉम्बीज़ के एक झुंड से दूर भाग रहे हैं और तीन दरवाजे आपके सामने आते हैं। पहले वाले के पीछे भीषण आग है, दूसरे के पीछे पानी की लेक है, तीसरे के पीछे एक जहरीला सांप है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? मैं दूसरे को सिलेक्ट करूंगा और तैरकर निकल जाने की सलाह दूंगा। ये सिर्फ एक लेक है, आप बचकर निकल सकते हैं। वेकेशन के दौरान एडन को जंगल में कुछ ट्राइब्स ने पकड़ लिया था। उन्होंने उसे बांध दिया और कहा कि वे उसे तीन गड्ढों में से उसकी पसंद के एक गड्ढे में पुश करेंगे। पहला गड्ढा ज़ॉम्बी से भरा था, दूसरे में भीषण आग लगी थी, तीसरा विशाल पिचर प्लांट से भरा हुआ था। एडन को कौन सा गड्ढा चुनना चाहिए? उसे तीसरा चुनना चाहिए। पिचर प्लांट केवल कीड़ों को खाते हैं, वे लोगों के लिए खतरनाक नहीं होते। एस्टन ने अपने घर में चोरी हो जाने की शिकायत की। डिटेक्टिव कैलम आए और एस्टन से कहा कि वो उसे बताए कि क्या हुआ था। उसने कहा कि वो अपने रूम में गया तो देखा कि कोई उसकी विंडो से बाहर निकल रहा है। चोर ने उसके घर के अंदर आने की आवाज सुन ली होगी। इसके बाद उसने अपनी डेस्क की जांच की तो पाया कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। डिटेक्टिव कैलम ने पूछा कि क्या एस्टन ने कुछ और छुआ है, तो वो बोला कि उसने नहीं छुआ। डिटेक्टिव कैलम ने केस बंद कर दिया और आगे इंक्वायरी करने से इनकार कर दिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? लुटेरा बेड पर कदम रखे बिना विंडो से बाहर नहीं निकल सकता था, हालांकि बेड पूरी तरह करीने से लगा हुआ था और एस्टन ने कहा कि उसने किसी चीज को छुआ नहीं है। इसका मतलब है कि कोई लुटेरा नहीं था। वेवरली एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो समुद्री डाकुओं के खजाने की तलाश में थी। एक सुनसान आइलैंड पर गुफाओं में से एक में उसे आखिरकार खजाना मिल गया। वहाँ तीन चेस्ट थे और उनमें से एक गोल्ड और जेम्स से भरा हुआ था। हालांकि अगर उसने किसी गलत चेस्ट को उठाया तो उसका खतरनाक अंजाम हो सकता है। सभी चेस्ट पर स्टेटमेंट है, लेकिन केवल एक स्टेटमेंट सही है। एक, खजाना इस चेस्ट में है। दो, खजाना इस चेस्ट में नहीं है। तीन, खजाना पहले चेस्ट में नहीं है। किस चेस्ट में खजाना है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यदि पहला स्टेटमेंट सही है तो खजाना पहले चेस्ट में होना चाहिए और अन्य स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। इस केस में दूसरा स्टेटमेंट भी सही है तो ये गलत गेस था। यदि दूसरा स्टेटमेंट सही है तो खजाना पहले चेस्ट में नहीं है, खजाना दूसरे चेस्ट में भी नहीं है जैसा स्टेटमेंट बता रहा है, फिर ये तीसरे वाले चेस्ट में होना चाहिए। वैसे ये तीसरे स्टेटमेंट को भी सही बनाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि तीसरा स्टेटमेंट सही है तो पहले स्टेटमेंट से ये गलत है। आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पहले चेस्ट में कोई खजाना नहीं है। चूंकि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है तो खजाना तो उसी में होना चाहिए। अब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और खजाना दूसरे चेस्ट में है। वाह, क्या किसी और के चेस्ट में पेन है या केवल मैं? ठीक है। स्काइलर और एमिलिया बचपन के दोस्त हैं। स्काइलर ने कहा कि उसका बर्थडे सर्दियों में था और एमिलिया ने कहा कि उसका बर्थडे गर्मियों में है। हालांकि कुछ महीने बाद उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन था, फिर भी उनमें से किसी ने झूठ नहीं बोला। ये कैसे संभव है? वे अलग हेमिस्फीयर में रहती हैं। जब यूएस में सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है और इसी तरह से चलता रहता है।
मिसेस फिट्स काम से वापस आई और उन्हें पता चला कि उनका फेवरेट कप टूट गया है। उसने अपनी बेटियों से पूछा कि ये किसने किया है। कैटी ने कहा, ये मैंने नहीं किया। सेरेना ने कहा, मैंने भी नहीं किया। हाना ने कहा, ये सेरेना ने किया। मिसेस फिट्स अपनी बेटियों को अच्छी तरह जानती थी और वो बता सकती थी कि क्या हुआ था। लड़कियों में से केवल एक ही सच बोल रही थी। क्या आप गैस कर सकते हैं कि कब किसने तोड़ा? अगर कैटी सच कह रही है तो उसने कप नहीं तोड़ा है। दूसरा, बाकी दो लड़कियां झूठ बोल रही हैं। सेरेना झूठ बोल रही है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उसी ने कप तोड़ा था। लेकिन अगर हना सही है तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मान लीजिए कि हना सही है, फिर सेरेना ने कप तोड़ा और सेरेना झूठ बोल रही है, लेकिन तब कैटी सच कह रही है जब वो कहती है कि उसने कप नहीं तोड़ा है, तो फिर सेरेना सच कह रही है, वो कहती है कि उसने कप नहीं तोड़ा है, इसलिए आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो फिर कैटी और हना झूठ बोल रहे हैं। कैटी का कहना है कि उसने कप नहीं तोड़ा है, इसलिए वो थी। फिर हना का कहना है कि ये सेरेना है जो झूठ है। तो सेरेना ईमानदार लड़की है और कैटी दोषी है। हना सिर्फ एक झूठी लड़की है। एस्मे जंगल में अपनी कैजुअल वॉक पर थी और वो इस बार खोई नहीं। ये उसके घर का रास्ता था, लेकिन दूसरा वाला डायन के घर जाने का रास्ता था। थोड़ा सोचने के बाद एस्मे ने फैसला किया कि उसे अपने पुराने फ्रेंड्स को हेलो कहना चाहिए और वो डायन के घर चली गई। डायन ने कहा कि उसके पास आज उसके लिए कोई पहेली नहीं है और एस्मे जाने के लिए फ्री थी। लेकिन एस्मे के पास एक पहेली थी। उसने कहा कि अगर डायन ने गलत जवाब दिया तो एस्मे उसकी बिल्ली को ले जाएगी। डियर विच, कल्पना करो आप एक डार्क रूम में हैं। आप कैसे निकल सकती हैं? उसे इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। स्पॉइलर, डायन ने उसे पकड़ लिया और बिल्ली को रख लिया। नेक्स्ट टाइम एस्मे। एक पुलिस ऑफिसर पड़ोस में घूम रहा था और उसने एक जेंटलमैन को रोका। उसने पूछा कि वो आदमी क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि वो ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए अभी अभी घर से निकला है। हालांकि ऑफिसर ने उस पर यकीन नहीं किया और उसे अरेस्ट कर लिया। क्यों? देखो, बर्फबारी हो रही है और बर्फ पर फ्रेश फुटप्रिंट्स हैं जो खिड़की से बाहर निकल रहे हैं। घर के मालिक आमतौर पर घर से बाहर निकलने के लिए फ्रंट डोर यूज करते हैं, इसलिए यकीनन वो एक चोर है। ब्रायस एक गुस्सैल बूढ़े इंसान है। उन्हें कुछ टीनेजर्स का अपने घर के सामने से गुजरना पसंद नहीं था, इसलिए एक बार उन्होंने उनकी रिपोर्ट करने का फैसला किया ताकि वे अब कभी उनके करीब ना आ सकें। उसने अथॉरिटीज को बुलाया और उन्हें बताया कि वो अपनी टेरेस पर चाय पी रहे थे कि उन टीनेजर्स ने उन पर बेसबॉल फेंकी। लकीली बेसबॉल उसके ऊपर से निकल गई। हालांकि डिटेक्टिव को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था। क्यों? टेरेस पर एक नजर डालें। ये ग्लास से बनी है। ब्राइस की जगह एक खिड़की के ठीक बगल में है, जैसा उसने कहा था। अगर बेसबॉल उसके ठीक ऊपर से निकली होती तो उसने ग्लास तोड़ दिया होता। थॉमस एक्शन फिगर्स कलेक्ट कर रहा था। उनमें से कुछ उन्हें अपने दादा से मिले थे। वे काफी रेयर थे और 500 से अधिक फिगर्स के उनके कलेक्शन की वैल्यू लगभग $1,000,000 थी। एक दिन वो वेकेशन से घर आया और पता चला कि उसका कलेक्शन चोरी हो गया है। डिटेक्टिव कैलम केस को देख रहे हैं। उन्हें 3 लोगों पर शक है। वे सभी थॉमस के नेबर हैं। उसने कहा कि एक्शन फिगर्स का कलेक्शन चोरी हो गया था और पूछा कि वे हॉलीडेज के दौरान क्या कर रहे थे। सिडनी ने कहा कि वो पड़ोस में थी, वो काम कर रही थी, लेकिन उसका फिगर से कोई लेना देना नहीं है। माथियो ने कहा कि उसकी दादी उसके साथ रह रही है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहता है और उसके पास 500 एक्शन फिगर को रखने के लिए रूम भी नहीं है। गिडियन ने कहा कि वो पड़ोस में भी नहीं था और अभी अभी वापस आया है। कलेक्शन किसने चुराया? मैटियो, किसी ने जिक्र नहीं किया था कि कलेक्शन में कितने फिगर्स थे, लेकिन वो इसके बारे में किस तरह जानता था?
एक अमीर महिला समांथा को पता चला कि किसी ने उसके वॉलेट से पैसे चुरा लिए हैं। घर में तीन लोग थे, क्लीनिंग मैन मेलकम, गार्डनर ग्रेस और कुत्ते को टहलाने वाला लड़का सेबेस्टियन। उसने मामले की रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए लेकिन केवल समांथा के ही फिंगरप्रिंट्स मिले। फिर भी उनके पास मेन सस्पेक्ट था, वो कौन था? मेन सस्पेक्ट क्लीनिंग मैन मेलकम था। उसने ग्लव्स पहने हुए हैं और इसीलिए वो बिना फिंगरप्रिंट छोड़े ऐसा कर सकता था। एनाबेल स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सुबह वो नीचे गई और माँ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि उसने कल रात थोड़ा सा सेब खा लिया था और उससे लगता है पॉइजनिंग हो गई है, क्योंकि वो पूरी रात अच्छा फील नहीं कर रही थी। हालांकि मिसेस कॉलिंस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने एनाबेल को स्कूल भेज दिया। क्यों? सेब पर सिर्फ एक बाइट है और ये फ्रेश है। अगर एनाबेल ने कल रात इस बाइट को छोड़ा होता तो वो ब्राउन होता, लेकिन ये अभी भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये फ्रेश है। स्कूल में सोफी ने अपना लॉकर खोला और एक लिफाफा पाया। अंदर एक कैलेंडर और एक नोट था जिसमें पूछा गया था कि क्या वो प्रॉम में जाना चाहती है। बहरहाल नाम के बजाय केवल कई नंबर लिखे थे, 17, 2, 30, 25। क्या आप गेस कर सकते हैं कि सोफी को प्रॉम में जाने के लिए किसने कहा है? कैलेंडर में इसका हिंट है, आपको बस सभी नंबरों को खोजना है और देखना है कि संबंधित महीनों के पहले लेटर आपको क्या नाम देते हैं। तो अगस्त में 17 को सर्कल करते हैं, इसलिए ये ए है। नंबर 2 दिसंबर में है, जो हमें डी देता है। नंबर 30 अप्रैल में है, इसलिए ए। फिर से आखिर में नंबर 25 मई 25 है, इसलिए ये एम है। लगता है उस लड़के का नाम एडम है। बहुत बुरा, उसके स्कूल में 13 एडम हैं। एलसी कुछ खरीदने के लिए एक पार्टी स्टोर में गई। उसे पता चला कि एक की कीमत $1, 17 की कीमत $2 और 101 की कीमत $3 है। उसे 22 की जरूरत थी। आपको क्या लगता है कि वो क्या खरीद रही है और उसे कितना पेमेंट करना चाहिए? वो शायद केक के लिए बर्थडे कैंडल खरीद रही है, तो हर कैंडल की कीमत $1 है। उसे 22 की जरूरत है, जो 2 कैंडल हुई, इसलिए उसे $2 खर्च करने होंगे।